नमस्ते सलाम सत श्री अकाल की एम चौके साहब मेरे दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त रनिंग धोत्रे और मैं आया हूँ जॉगिंग करने के लिए माइंड स्पेस के पीछे। सबसे बेस्ट अड्डा है हमारा, सबसे बेस्ट अड्डा है हमारा। हो मैं जॉगिंग 30 मिनट जॉग किया मैंने और मज़ा आ गया। तो बेसिकली मैंने नया मेरा वर्कआउट शेड्यूल बनाया है जिसमें मैं 5 दिन वर्कआउट करूँगा और 2 दिन मैं आराम करने वाला हूँ और 5 दिन में 3 डेज रहेगा वेट ट्रेनिंग, सिर्फ वेट ट्रेनिंग, और 2 दिन रहेगा सिर्फ का और सिर्फ कार्डियो। उसमें जॉग हो सकता है, उसमें साइकिलिंग हो सकती है, उसमें स्विमिंग हो सकता है, कुछ भी, लेकिन 2 दिन कार्डियो 30 मिनट्स टू 1 आवर तक। ओके हाँ, तो दूसरी बात यह है कि मैंने एक प्लेट बनवाया है जो प्लेट है पूरा लोखंड का है और मैंने प्रॉपरली हम लोग के यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे ग्रिल्स बनाना या फिर लोखंड का बहुत सारा वर्क्स होता है वहाँ पे, तो बॉम्बे टॉकीज करके हम लोग के मलाड में एरिया है वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने 30 kg का वेट का एक प्लेट, एक गोल सा प्लेट बनवाया, एक राउंड प्लेट बनवाया एक्सरसाइज के लिए डेफिनेटली। तो प्लेट क्यों बनवाया, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बिंग नॉइस, इट्स ओके, दे आर एंजॉइंग। तो 30 kg का मैंने एक प्लेट बनवाया है। तो 30 kg का मैंने एक ही प्लेट क्यों बनाया, एक्चुअली क्या है कि मेरा जो कमरा थोड़ा छोटा है तो जिसके वजह से कि मैं रॉड और प्लेट्स और बहुत सारे एक्सरसाइज नहीं कर सकता वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि क्यों एक कॉम्पैक्ट चीज़ लाया जाए कि जिसके वजह से मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं जिम जा नहीं रहा हूँ कि जिसके वजह से मैं वहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ, पहले जाता था लेकिन अभी फ़िलहाल COVID-19 सब चल रहा है, सब चीज़ें चल रही है तो नहीं जा पा रहा हूँ मैं। और मैं सोचा कि चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल वहाँ पे जाने से अच्छा है कि घर पे वर्कआउट किया जाए सेफ और सिक्योर होके, बराबर है। तो मैंने जो प्लेट बनाया है वो इतना सेक्सी और सुपर है ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मेरे प्लेट का आएगा और आप इन्जॉय करोगे, क्योंकि क्या कॉम्पैक्ट चीज़ है, एक ही प्लेट है गोल और 30 kg का है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें ना 1.5 किलो कम है, क्योंकि जैसे 30 kg का जब लोखंड का प्लेट जब बनता है तो उसको थोड़ा सा खींचना पड़ता है, उसका बारीक उसका मतलब पार्टिकल हाथ में ना जाए या तो हाथ कट ना, उसके उसको ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा बफिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर वर्ड है बफिंग। तो बफिंग करने के बाद थोड़ा सा मेरे ख्याल से 1.5 किलो उसका उतर गया, ये कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया है। और उसमें एक्चुअली 30 kg क्वाइट हेवी, मतलब मुझे थोड़ा सा हेवी लगता है वो, लेकिन अच्छा लगता है कि प्रॉपर मतलब अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अच्छा वेट ट्रेनिंग होता है उससे। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन वर्कआउट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट वर्कआउट ज़िंदगी में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है, ऐसी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है, कि हर पतला इंसान अनफिट, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि हर पतला इंसान फिट नहीं और हर मोटा इंसान अनफिट नहीं है। तो उसका जो मेडिकली जो रिपोर्ट आएगा, जो उसका मेडिकली रिपोर्ट आएगा वही बताएगा कि कौन अनफिट और फिट है। तो प्लीज़ एक्सरसाइज करो, अच्छे से खाओ, डाइट फॉलो करो, ज़्यादा कैलोरीज वाला डालने से अच्छा कि हाई प्रोटीन डाइट डालो और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा डालो, ऐसी बात नहीं कि नहीं डालो, लेकिन दूसरा ये भी डाल सकते हो, आप क्या बोलते हो उसको, फाइबर। तो फाइबर की वजह से क्या होता है कि फाइबर अगर आप बॉडी में डालते हो तो फाइबर डालने के बाद तो बॉडी में फाइबर भी बहुत ज़रूरी है, जैसे सब्ज़ियाँ खाओ, सलाद खाओ तो वो भी ज़रूरी है, इसके साथ आपका मोशन ठीक से हो जाएगा, आपका इंटेस्टाइन। तो वर्कआउट के बाद आपका डाइट, सी बॉडी अच्छा बनाने के लिए आपको वर्कआउट के साथ आपका डाइट भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अच्छी फिजिक बनानी है तो वर्कआउट के साथ आपका डाइट भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो ओवर ईटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोपोर्शनल डाइट होना बहुत ज़रूरी है। खाने में प्रोटीन चाहिए, कार्ब भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कैलोरीज भी चाहिए, तो सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन इतना ही कि कम मात्रा में रखो, एक थोड़ा सा कम रखो, ओवर ईटिंग मत करो। और मैं ऐसे ही आपको वीडियोज डालते रहूँगा। लेट्स टॉक 2020, सबके लिए मुझे पता है बकवास गया है। मैंने प्लान जो बहुत जन ने सोचा रहेगा, मैंने भी बहुत सारे प्लान्स किए थे, लेकिन COVID-19 ने वाट लगा दी, लेकिन कोई बात नहीं है। 2020 में हम होप करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हो, सबकी मैं तहे दिल से मैं
और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सबकी मनोकामना पूरी हो और जो भी लॉसेस हुए हैं जिनके लाइफ में, जिनके फैमिली में, उनके लिए रेस्ट इन पीस मेरा कॉन्डोलेंस है उनके फैमिली के लिए। और आई होप 2021 सबका अच्छा रहे और मज़ा करे, मज़ा आ जाए, मतलब फाइनेंशियली सबका स्टेबिलिटी आ जाए और हेल्थ वाइज बहुत अच्छा हेल्थ हो सबका, और जो भी दिल में सारी चीज़ें हो वो सारी मिले 2021 में। मैंने बहुत दिन से टैरो का रीडिंग का भी कुछ मैंने डाला नहीं है वीडियो, लेकिन बहुत जल्दी डालूंगा, बहुत जल्दी डालने वाला हूँ मैं टैरो का, बहुत जल्दी डालने वाला हूँ मैं टैरो का रीडिंग का वीडियो। और स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रीदिक मोहन धोत्रे, श्रीदिक धोत्रे। आहिस्ते आहिस्ते अच्छे अच्छे वीडियो मैं डेफिनेटली डालूंगा। क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं हम लोग कर नहीं पाते हैं। अभी मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मेरे ख्याल से अभी मुझे मोबाइल पे एडिट करना पड़ेगा। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में ऐसे नई नई चीज़ें। और एक बात मैं बताऊँ, आपको भूल गया, मैंने लिया है नया मोबाइल 851 सैमसंग 851, उसका भी अनबॉक्सिंग करना है, बहुत जल्दी करेंगे और उसका एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा मैं कि क्या कहाँ से लिया मैंने, कितने का लिया और उसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग A51 के बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के वीडियोज़ ऑलरेडी है, तो मैं ज़्यादा इनडेप्थ स्पेसिफिकेशन में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपको मैं उसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। टेक केयर, शब्बा केयर, बहुत जल्दी मिलते, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस ऑल, बाय बाय।